एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी कि पहले से तीसरे तक के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो है इंटीग्रेट करना है इन फंक्शनों को 2x/1 + x² और 1/x + x log x और दूसरे वाला एक क्वेश्चन है log x² / x। तो पहले वाले क्वेश्चन में 2x + 1x² को हम t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx राइट साइड में और t का जो है dt हो जाएगा। तो 2x dx इसका मतलब ऊपर वाले dt के इक्वल हो गए और नीचे का 1 + x² जो है वो t के इक्वल होगा। तो ये जो है 1/t का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो log mod t आता है और ये कांस्टेंट सी आएगा। अब t की वैल्यू इसमें रख देंगे तो log mod ऑफ 1 + x² जो है यहाँ पर आएगा और कांस्टेंट सी आएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें इंटीग्रेट करना है log x के स्क्वायर अपॉन में x को। तो यहाँ पे log x को जो है हम t मान लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx आएगा और t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। तो इसका मतलब dx/x जो है वो dt के इक्वल हो गया और log जो है उसमें t रखेंगे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और dt लिख देंगे dx/x की जगह। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 प्लस c आ जाएगा। t की वैल्यू रखते हैं तो log x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस क्या सी, ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन में 1/x + x log x है, तो नीचे x को जो है कॉमन लेते हैं तो 1 + log x आपके पास आता है। तो इसमें जो है 1 + log x को जो है आप t के इक्वल मान लीजिए, तो इसको जो है आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x dx आएगा और t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। इस तरह से ये dx/x जो है dt हो जाएंगे और 1 + log x जो है वो t के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल जो बन गया dt/t के, और इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा log mod t प्लस में c। तो t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 + log x रख देंगे तो log mod 1 + log x और एक कांस्टेंट जो है c है, यही हमारा आंसर। उम्मीद आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें।